How are you? आप बताइए कि ये जो गेम है हम बचपन में बहुत खेलते थे, लाइक आप हमें इस वेब सीरीज से हमें ऐसे बचपन ये वेब सीरीज नहीं है मतलब ये फिल्म है। हाँ, तो हमें ऐसे बचपन की यादें बहुत ही ताज़ा हो जाती है। तो आप बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया इस गेम के साथ में। हमने ट्रेलर में भी थोड़ी सी झलकियाँ देखी। ये गेम एक ये नहीं है कि गेम के ऊपर आधारित है, बट यस एक इनोसेंस के ऊपर आधारित है। बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो पोषण पा ज़रूर खेलते हैं छोटे होते, और मैंने भी खेली है। तो लड़कियाँ जो खेलती हैं गेम, और कैसे वो इनोसेंस क्रिमिनल में वो कन्वर्ट हो जाती है, कैसे वो क्रिमिनल माइंडेड बच्चे बन जाते हैं, और क्या होता है उनके हालात क्यों ऐसे चेंज हो जाते हैं, वो ये फिल्म है। और थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। किस बारे में? आपके कैरेक्टर के बारे में इस फिल्म में। जो हमने ट्रेलर में देखा बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, आप इस तरह से मैंने आपको कभी ऐसे फिल्मों में नहीं देखा, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा आपके कैरेक्टर जी। जो ये कैरेक्टर है, मैं 25 साल से 55 साल की उम्र तक का जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही हूँ इसमें। मेरे छोटे बच्चे होते बड़ी होती हूँ, मैं प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही हूँ, मैं बाई का रोल कर रही हूँ इसमें, मैं एक हाउसवाइफ का रोल कर रही हूँ, एक बेगर का रोल कर रही हूँ, एक क्रिमिनल का रोल कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा शेड्स है इस कैरेक्टर के इस फिल्म के अंदर। एंड ये जो वेबसाइट, ये जो प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म इस तरह से जो है, या Zee5 हम कह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि रेवोल्यूशन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। जैसे Zee5 पर यार, Zee5 बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और आई एम रियली ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि मैं Zee5 के साथ काम करने को मुझे मौका मिला। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, और उनके साथ साथ हमारे डायरेक्टर जो हैं वो भी कमाल के हैं हमारे, जिनको हम लालदा बुलाते हैं बहुत प्यार से। तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैरिज बनी है सबकी, Zee5 हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे, तो बहुत अच्छा है। बाकी आई जस्ट होप पीपल लाइक इट, बिकॉज ये एक इंस्पायर्ड है, टू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ये जो केस है, तो आई होप पीपल लाइक इट। ये जो प्लेटफॉर्म है, किस दुनिया को, ये जो दुनिया है एक तरह से, इसे कैसे इन्जॉय करते हैं? क्योंकि फिल्म में हमने देखा लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, चाहे मैं आपकी किसी भी फिल्म की बात करूँ, एंड नाउ ये इस प्लेटफॉर्म को कैसे इन्जॉय करती हैं? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा, चाहे मैं मूवी की शूटिंग करती हूँ या इसकी शूटिंग कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, मुझे सिमिलर ही लग रहा है सब कुछ। बट ये है कि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, और अभी क्या है कि एक रेवोल्यूशन जैसे कि मैंने बोला कि आ गया है, और बहुत सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, और लोग देखते हैं, आप मोबाइल पर देख सकते हैं, आप घर में बैठ के देख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक रेवोल्यूशन है, लेकिन मुझे
काम करने में कोई फ़र्क नहीं लगा, चाहे मैं फिल्म में काम करूँ या इसमें काम करूँ, क्योंकि आपका पैशन वही होता है, आपका प्यार काम से प्यार है बेसिकली, चाहे वो छोटे पर्दे पे आए चाहे वो बड़े पर्दे पे आए। इसके अलावा एक ये सवाल, डिफरेंट सवाल ये है कि यू नो पिछले कुछ दिनों में आपने खुलासा किया कि आपके पास एक डॉटर भी है। पास नहीं है, मेरे पीरी है। उसके आगे कुछ नहीं बताया, लाइक कि उसको छुपा रहने दो, धीरे धीरे पढ़ते, यू नो प्याज होता है ना, आप प्याज की पढ़ते खोलते हैं, आज थोड़ी सी एक परत खोल दीजिए, एक एक प्याज होता है ना उसके धीरे धीरे पढ़ते खोलते हैं, तो अभी अभी इस साल वो पढ़ता है, अगले साल की नई परत खोलोगे, सो हर साल खोलना चाहिए कुछ नई परत। कुछ नाम रिवील करना चाहेंगे आप? किसका? आपके लिविंग पार्टनर का? नो, अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट ईयर फिर हम आपसे बात करेंगे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनोज जी, मनोजिता फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो। Please, just producers. Producers.
प्रोड्यूसर्स आर टॉकिंग. ओके रागिनी जी ये बताइए कि भैया जी के जरिए ये प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी फंक्शन पर आ रही है जी, कितना एंजॉय किया आपने? ट्रेलर हमने देखा, बहुत ही ऑसम है. आप जरा बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके. मैं पहली बार ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो एंटी लॉ है, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. और अभी मुझे वो नर्वसनेस और वो पैंग्स फील हो रहे हैं क्योंकि आज रात को 12 बजे फिल्म डिजिटल पे रिलीज़ हो जाएगी और कल इट्स ऑफिशियल रिलीज, दैट इज़ द 21st. सो दिस इज़ माई डिजिटल डेब्यू. इसके पहले मैंने कोई डिजिटल एक्सपीरियंस नहीं किया था. सो इट्स बिन गुड एंड आई थिंक दिस इज़ क्वाइट हिस्टोरिकल दैट 3 महीने में, जून में मुझे ये फिल्म मैंने साइन की और इट्स रिलीजिंग टुडे. सो 19 डेज की शूट और एक दिन की डबिंग में ये पिक्चर कंप्लीट हुई है, विच आई थिंक इज अमेजिंग. यू नो हमने आपको टीवी में देखा है जी, में भी देखा है, ये जो प्लेटफॉर्म है कितना डिफिकल्ट या डिफरेंट होता है आपके लिए? देखिए डिफरेंट होता है, मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले तो फिल्म की जो एक स्टोरी टेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है. ये एक 90 मिनट्स की फिल्म है तो इसकी स्टोरी टेलिंग 90 मिनट्स के हिसाब से है कि हमको उतने टाइम में जितना हमें बयां करना है वो डायरेक्टर कर देते हैं. जो टेलीविज़न होता है वो सालों तक स्टोरी चलती है, तो उसकी एक एक डिटेल हमें पता चलती है ना. और अगर शॉर्ट फिल्म होती है वो तो 20 मिनट की होती है. और अगर डिजिटल पे सीजन्स भी आते हैं, सीरीज़ भी आती है और फिल्म्स भी आती है. सो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द स्टोरी, स्टोरी को जितनी ज़रूरत है. कितने एक्साइटेड हैं? कुछ ही घंटों में स्ट्रीमिंग होने वाला है जी, कितने एक्साइटेड हैं? फिंगर्स क्रॉस्ड इज एन अंडरस्टेटमेंट, माय होल बॉडी इज क्रॉस्ड राइट नाउ. सो यस, आई जस्ट होप ये फिल्म बड़े प्यार से बनाई है एंड आई होप इट रिसीव्स ऑल द लव. और जाते तो ये आखिरी सवाल कि ये जो गेम है लाइक प्यार कोशंपा, हाँ जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा. यस, बचपन में आप ये गेम कितना खेला करती थी एंड आपकी ऐसे मेमोरी कितनी ताज़ा हो जाती थी? क्योंकि हम तो बहुत खेला करते थे ये गेम हमारे टाइम पे, उस समय थोड़ा सा हाँ नो प्रॉब्लम. सो बचपन में मैंने पोशंपा एज सच खेली नहीं है, बट मैं पोशंपा गेम से वाकिफ थी बचपन में. मेरा पोशंपा का वर्जन जो मैं खेलती थी वो था ऑरेंज इज द लेमन, सोल्ड फॉर अ पेनी, ऑल द स्कूल गर्ल्स आर सो मैनी. उसका इंडियन वर्जन था पोशंपा भाई पोशंपा डाकिए ने क्या किया. तो थैंक गॉड मैंने वो बचपन में नहीं खेला. एंड टुडे आई थिंक दिस टाइटल इज बी फिटिंग द फिल्म, द कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म एंड द डायरेक्टर हैज़ एप्टली चोजन इट फॉर द स्क्रिप्ट. तो शिमोन सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर एंड इट वॉज अ प्रिविलेज टू वर्क विद अ सेंसिबल डायरेक्टर एंड अ ग्रेट राइटर. इट्स अ फर्स्ट फिल्म निमिषा एंड येस एंड टू वर्क विद गुड आर्टिस्ट्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिनेमा एंड एक्टिंग बैकग्राउंड्स, माही, शायोनी, इमाद, शिवानी, इट्स बीन अ ग्रेट कोलेबोरेशन. प्लीज़ पोशंपा देखें, Z5 पर रिलीज़ हो रही है 21 अगस्त को और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे एक मौका ज़रूर देंगे. थैंक यू. मच्छर काट लिया मुझे, नहीं दही काटा. ओके शायोनी जी, पहले तो बताइए कितने घंटे की नींद पूरी की है आपने आज? पूरी नहीं हो पाई है. मैं तो मतलब मैं इनसे जब मिली मैं कोने में सोने की कोशिश कर रही थी पर ऑब्वियसली जगह नहीं है सोने की, पर मैं सो गई थी थोड़ी सी फिल्म देखते लास्ट शो. हाँ मच्छर भी काट लिया एकदम सर पे, पर कुछ नहीं कर सकते. बट एनीवे आई एम एक्साइटेड बिकॉज एवरीवन इज हियर नाउ टू वॉच द फिल्म. लेट्स सी व्हाट दे से. पिछले 2 साल में मुझे कुछ 9 या 10 दिन छुट्टी मिली होगी, तब भी मैं काम ही कर रही थी क्योंकि वो बाकी सब चीज़ें रहती है, ऑडिशंस, मीटिंग्स, डबिंग. तो हाँ ब्रेक नहीं मिला है विच इज़ अ गुड थिंग, टच वुड. मैं अभी तो बिजी थी, 4 more shots ख़त्म हुआ, आर्टिकल 15 रिलीज़ हुआ, ये इसका शूट एक्चुअली लास्ट मंथ ही हुआ है तो इसका शूटिंग हो गया, फिर अभी इनसाइड इट चल रहा है,
सो आई थिंक बाय एंड ऑफ ऑगस्ट आई एम गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. सितंबर में मैं होप कर रही हूँ कि मैं एक छोटे से हॉलीडे पे जा सकूँ. और फिर आई थैंक यू यार, प्लीज़ प्लीज़ दुआएं मांगो. हाँ, मुझे एक दिन चाहिए जब मुझे अलार्म के बिना मैं उठ पाऊँ और जितना मर्जी सो पाऊँ. मुझे एक दिन चाहिए, पिछले कुछ एक साल में नहीं मिला है मुझे वो. तो जल्दी मिलेगा. ये गेम कितना फेवरेट है, बचपन में कितना नहीं खेला है मैंने. तो बंगालियों में कहाँ खेलते हैं कुछ, हम दूसरे अभी खा रहे हो. देखो कैसे हुलिया बना के रखी है. नहीं, पोशंपा नहीं खेला है, पर आई थिंक इट वाज, आई मीन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दैट गेम. बट इन लोगों ने जब पोशंपा बोला, है हर्ड ऑफ पोशंपा बट आई डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट द गेम वाज. हाँ, पर आई थिंक इट्स क्वाइट क्वाइट एप्ट फॉर दिस फिल्म. ये एक जैसा किरदार है, ऐसा कभी मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करूँगी. और बहुत ही एक्साइटिंग था ये पूरा एक्सपीरियंस जो था, प्रोसेस जो था. जो सुमन मुखोपाध्याय है, डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं. तो आई थिंक कोलैबोरेट करने में बहुत मज़ा आया हम सबको. और कुछ मतलब चैलेंजिंग था, बट बहुत मज़ा भी आया. ये जो एक अजीब सी दुनिया है इनकी, उसमें घुस के कैसा होता है, थोड़ा स्ट्रेंज ईवी है. तो और अभी एक्चुअली मैं देखना चाहूँगी कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है. आप लोग देखिए, कल रिलीज़ हो रही है Z5 में 21 को. तो क्या लगता है आपको देख के वो बताइए. जैसे आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रही हूँ. मेरा प्रोस्थेटिक्स हुआ है इसमें, जो कि एक अलग ही प्रोसेस था. उसमें भी काफ़ी सीखने को मिला, मज़ा आया करके. सो या आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट यू आर थिंक. आप देखिए, बोलिए हमें कैसा लगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ट्रेलर पसंद आया. एक्सपीरियंस काफ़ी इंटेंस था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बिकॉज वी हैड लिमिटेड टाइम टू शूट दिस फिल्म. एंड जितना ट्रेलर भी दिखाया, फिल्म मुझसे भी ज़्यादा इंटेंस है. सो इट वॉज गुड एंड आई रियली इन्जॉयड द प्रोसेस, बिकॉज आई लव वर्किंग विद दिस डायरेक्टर. आई वर्क विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द प्रोसेस वॉज सो नाइस, दे वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, यू नो. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर, आई गॉट टू एक्सप्लोर द ह्यूमन साइड ऑफ, यू नो, when there is a crime around you, you usually see it's a crime, but we don't try to understand why, you know, they committed the crime. So for the first time, you know, because of this character, I got this new perspective, and we try to find something humane about criminals also. And you do
पोषण का ये जो गेम है बचपन में, लाइक आप कितना या आपका फेवरेट था, कितना खेला करती थी या मिस करती हैं जेल की रोटी खाना पड़ेगा? यह फेवरेट तो नहीं था बट हाँ खेला ज़रूर है, खेला कुछ आई थिंक 3-4 साल खेला है, और वो सोसाइटी के बच्चे सारे मिलके, आपने भी खेला होगा। सो हाँ, सो मुझे पोएम आई थिंक सबसे ज़्यादा, बाकी जितने भी हमारे को एक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा ये पोएम मुझे अच्छे से आती है और मैंने ही सबको करेक्ट किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है Zee5 के जरिए स्ट्रीमिंग होने वाला है कुछ ही घंटों में, कैसे देखते हैं आप प्लेटफॉर्म को एंड इसके आपके फिल्म आ रही है? ये एक सो ये आई थिंक इट्स अ इन अ वे उभर रहा है ये प्लेटफॉर्म नाउ, Zee इज trying to get a lot of new great kind of stuff and they're trying different genres, so all of their films and series are different from each other, so I think yeah, like matlab like we had Netflix, we had Amazon Prime, now we have Zee5 from India, so I think so jaate jaate apne fans ko apne chahne wale ko kya kuch kehna chahenge is portion par ke liye? Yaar main bas yahi kehna chahungi ki please watch our film aur I am sure aapko achhi lagegi. हाँ मैंने कल रात को ही ट्रेलर देखा है और काफ़ी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑनेस्टली, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है देखने की। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी रागिनी को देख के, आई मीन रागिनी आई हैव नोन हर, द रेस्ट आई हैव सीन देयर बॉडी ऑफ वर्क, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो काफ़ी अभी मैं वेट करूँ कि अंदर जाके देखूँ मैं। इसीलिए मैंने कल ट्रेलर देखा और सबसे पहले मैंने रागिनी को देखा क्योंकि मैं रागिनी को पहले से पहचानती हूँ पर्सनली, आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई हैव टू सी दिस टुमारो, तो काफ़ी डरावना देखने में लग रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा था कि आई होप इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, बट इट्स नॉट एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ज़रूर एज सून एज समथिंग हैपेंस आप मेरे को देख लेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.
Right, all of you. Bye, ma'am. एक ही तो आदमी था, काश मैं वो भी नहीं आया। चलो।